Hey guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel for my scholars. So, जैसे कि आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स जो सीरीज़ हम लोगों के चैनल पर चल रही थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बट एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी तो उसके लिए ये वाला वीडियो हम फाइनली डिलीवर कर रहे हैं. सो द टॉपिक वॉज द सॉर्टिंग, अप्लाई द सॉर्टिंग ऑन अ लिंक्ड लिस्ट. तो यहाँ पर मैंने बबल सॉर्ट अप्लाई करके मैं आपको बताऊँगी. बाकी जो हम इसके अलावा जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हमने पढ़ी हैं, तो जिस तरीके से मैं बबल सॉर्ट अप्लाई कर रही हूँ वैसे ही बाकी सारी की सारी एल्गोरिदम्स अप्लाई होंगी. बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो समझते हैं. तो सबसे पहले देखो, ये वाला कोड वो है जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट के केस में पढ़ा था. जब आपको ध्यान हो, देखो मेरे पास लिंक लिस्ट के नाम से ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो इसमें सिंगल लिंक लिस्ट के नाम से ये वाला प्रोग्राम था हमारे पास. तो ये प्रोग्राम ही मैंने सेम कॉपी किया है, सेम एज इट इज़. मैं ऐसा करती हूँ, इसी में ही चेंजेस कर देती हूँ. तो ये प्रोग्राम कैसे बनाया था, क्या फंक्शंस करता है, ये सब मैं आपको नहीं यहाँ पर बताने वाली हूँ, और ना ही बबल सॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं बताने वाली हूँ. अगर आपको नहीं आती हैं इनमें से कोई भी चीज़ें तो आपको इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले जाके वो पढ़ लीजिए. मैं डायरेक्टली आपको सिंगल लिंक लिस्ट पर बबल सॉर्ट अप्लाई करके बताऊँगी. तो सबसे पहले तो भाई हम क्या करेंगे, देखो अपने मेन फंक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक सॉर्टिंग के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, वन, ठीक है? अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे. तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं फंक्शन पब्लिक वॉइड सॉर्टिंग के नाम से. अब देखो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, बबल सॉर्ट और ओपन कर लेती हूँ. बबल सॉर्ट दिस वन. तो बबल सॉर्ट में देखो जस्ट हमने क्या किया था, ये दो लूप्स हमने लगाए थे और जस्ट स्वैपिंग की थी, ठीक है? ध्यान होगा आपको, अगर ध्यान नहीं तो एक बार पढ़ लेना पहले. तो अब बात आती है, पहले हम सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलेंगे, बस इस कोड को हम लोग अब लिंक लिस्ट की फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी. तो देखो भाई, यहाँ पर दो फॉर लूप लगे हैं, बट फॉर लूप में लगाने के लिए हमें एन चाहिए कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास हैं. तो एरे में तो डायरेक्टली आ जाते थे, बट सिंगल लिंक लिस्ट के केस में या फिर किसी भी लिंक लिस्ट के केस में पहले आपको नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी एन या कुछ भी सर की वैल्यू नहीं देते हैं. तो नंबर ऑफ नोड्स को कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे काउंट करोगे. सोचो पहले, इतने आप खुद से सोचो, बाकी मैं आपको बता रही हूँ. ये आपके पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है? तो हमें इसमें नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करना है. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक आप वेरिएबल ले लीजिए टेम्प, ठीक है? जो स्टार्ट करेगा कहाँ से, हेड से, यानी कि जो लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि उसको जो है टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाती, तब तक वो हम लोग उसको बढ़ाते जाएंगे. और इसके अलावा यहाँ पर एक हम काउंटर ले लेंगे जिसकी वैल्यू को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे. तो सी में हमारे पास एट द एंड क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे. कैसे, एक बार बता देती हूँ मैं. चलो सी इक्वल्स टू, इनिशियली हम जीरो लेंगे. टेम्प की वैल्यू में क्या हैड है हमारे पास, टेम्प में क्या है हैड 100. तो सबसे पहले हमने चेक किया वाइल, एक कंडीशन हम लोग लगाएंगे वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल. मुझे भी नहीं पता कि टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल आएगा या फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल आएगा. हम जैसे कि पहले करते आते थे, हमें नहीं पता होता था, बट हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि टेम्प आएगा या टेम्प डॉट नेक्स्ट आएगा. तो क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे, और इसके अलावा सी प्लस प्लस करेंगे. तो क्या हुआ, देखो टेम डॉट नेक्स्ट होगा तो सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है. फिर से जाएगा ये, यहाँ पर कितना आ चुका है, 200, यहाँ पहुँच गया है. टेम डॉट नेक्स्ट होगा तो यहाँ पहुँच जाएगा 300, और सी की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. फिर से जाएगा, टेम नॉट इक्वल नल है, यहाँ पहुँचेगा और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी. फिर से जाएगा, टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है? फिर ये पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो टेम्प इक्वल टू टेम डॉट नेक्स्ट में नल आ चुका होगा, एंड इसके अलावा सी हमारे पास बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. इस तरीके से हमारे पास 4 नोड्स आ जाएंगे. तो इसको कोड को हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा कि कितने नंबर ऑफ नोड्स पर हमें सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, राइट? तो इसका मैं कोड लिखती हूँ जल्दी से. तो देखो भाई, ये हमारे पास कुछ कोड बनेगा. सी मैंने एक काउंटर लिया है, इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, मीन्स कि अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है तभी हम लोग ये वाला कोड लगाएंगे. तो हमने एक पॉइंटर लिया है टेम्प, जिसमें इनिशियली हेड की वैल्यू है, और टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ने ये वाले दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया है, और एट दी एंड नंबर ऑफ नोड्स को हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया है, ठीक है? इतना हो गया हमारे पास काम. अब हमें लगानी है यहाँ पर सॉर्टिंग. तो देखो भाई, सॉर्टिंग के लिए हमने क्या किया था, बबल सॉर्ट में ये वाले दो लूप्स लगाए थे, तो वही सेम लूप मैं यहाँ पर भी लगाऊंगी. तो लगा देते हैं फॉर
एंड आई इक्वल्स टू जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेस देन सी तक और आई प्लस प्लस, और जो दूसरा लूप था वो कहाँ तक लगा है हमारे पास एन माइनस आई माइनस वन तक, तो सेम लूप हम लोग लगाएंगे यहाँ पर फॉर एंड जे इक्वल्स टू जीरो से लेके जे लेस देन एन माइनस आई माइनस वन एंड जे प्लस प्लस। इतना आई गेस आपको क्लियर होगा। सेम हमने वही कॉपी किया है जो कि हमने बबल सॉर्ट में लिखा था। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो ये कुछ स्वैपिंग की है। स्वैपिंग कैसे की थी हमने, ए ऑफ के आपको ध्यान हो अगर तो हम लोग क्या करते थे, आपके पास अगर ये कुछ डेटा है 20, 30, 40 कुछ करके, तो इस जो फर्स्ट वैल्यू है इसको कंपेयर करते थे हम सेकंड वैल्यू से, फिर सेकंड इटरेशन में हम लोग इन दो वैल्यूज को कंपेयर करते थे, थर्ड इटरेशन में हम लोग इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते थे। तो अब लिंक लिस्ट के केस में ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पर आएंगी, हमें पॉइंटर्स लेने होंगे राइट। तो मैं एक जल्दी से आपको पहले एक आइडिया दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ये वाला काम। तो मान लो भाई 10 एक नोड हमारे पास ये हो गया है, 5 आ गया एक हमारे पास, एक 7 ले लेते हैं और एक हम लोग ले लेते हैं 1। इसको हमें सॉर्ट करना है तो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लगाएंगे, देखो टेम एक हम लेंगे तो ये पॉइंट आउट कर रहा है पहले हेड को, तो इसमें आ गया इसके पास 100। और एक और हम लोग पॉइंटर लेंगे टेम्प 1 लेट सपोज, वो पॉइंट आउट कर रहा हुआ नेक्स्ट को यानी कि 200 को। तो हम पहले चेक करवाएंगे कि क्या 10 इज ग्रेटर देन 5, इज दिस कंडीशन इज ट्रू, तो हमें क्या करना है, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना है, हमें नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो हम क्या करते थे, इन दोनों को स्वैप करवाते थे। तो स्वैप करवाने के लिए जस्ट हम लोग पहले तो क्या करते थे, एक टेम्प वेरिएबल ले लेते थे, उसके थ्रू हम लोग जस्ट एरे में स्वैप करवा देते थे। बस यहाँ पर हमें स्वैपिंग कैसे करवानी है वो चीज़ हमें देखनी है। चलो बताती हूँ कैसे करवाओगे स्वैप। सिंगल क्रिएशन पे आ जाओ, यहाँ पर एन मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर सी आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग पहले दो पॉइंटर्स लेंगे, नोड एक ले लेते हैं टेम्प जिसमें इनिशियली वैल्यू कितनी है हेड, और एक हम लोग ले लेते हैं टेम्प 1 जिसमें वैल्यू कितनी है टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू जाएगी। अब हम लोग चेक करेंगे कंडीशन, इफ टेम्प डॉट डेटा इज ग्रेटर देन टेम्प 1 डॉट डेटा, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी ठीक है। टेम्प डॉट डेटा में हमारे पास क्या वैल्यू है, दिस वन 10, और टेम्प 1 डॉट डेटा में क्या वैल्यू है 5। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो हमें क्या करना है, दोनों को स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर एंट डी ले लो। हम लोग क्या करेंगे, पहले डी में टेम्प डॉट डेटा की वैल्यू को रख देंगे, स्वैपिंग करानी है जस्ट सिंपल सी। टेम्प 1 डॉट डेटा में अब हम लोग किसकी वैल्यू असाइन करेंगे, टेम्प डॉट डेटा की, एंड देन उसके बाद टेम्प डॉट डेटा में हम लोग किसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, डी की। जस्ट इतना किया है हमने, स्वैपिंग कर दी यहाँ पर। अब नेक्स्ट अब क्या होगा, देखो जब नेक्स्ट इटरेशन में होगा तो टेम्प अब किसको पॉइंट आउट करना चाहिए, नेक्स्ट नंबर को, और टेम्प 1 नेक्स्ट नंबर को, तो इसको हम लोग बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसको, टेम्प में किसकी वैल्यू आ जाए टेम्प 1 की, एंड टेम्प 1 में क्या आ जाना चाहिए, टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट आ जाना चाहिए हमारे पास ठीक है। इतना कोड आई गेस आपको समझ में आया होगा। अब जस्ट हमें क्या करना है, जो सॉर्टेड हमारे पास डेटा आया है उसको हमें प्रिंट करवाना है। तो हम लोग कहाँ प्रिंट करवाएंगे, इस फॉर लूप के बाहर हम लोग इसे प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया द सॉर्टेड एरे इज दिस, और जस्ट एक पॉइंटर लेके जो कि हेड से स्टार्ट करेगा और कब तक जाएगा नल तक, और टेम्प 2 डॉट डेटा की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाते जाएंगे और वो नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाता रहेगा ठीक है। इतना गाइस आई गेस मुझे इतने डिटेल में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लिंक लिस्ट आती है तो। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, कंट्रोल एफ 11, 10 ओके। सो देखो हमारे पास हमने डेटा एंटर किया था 10, 9, 4, -5 और 1, तो नंबर ऑफ नोड्स आ गए हैं एंड सॉर्टेड एरे हमारे पास ये आ गया है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है किसी भी लिंक लिस्ट पर। अब अगर मान लो कि आपको
अप्लाई करना है क्विक सॉर्ट या फिर मर्ज सॉर्ट। तो सेम वही करना है आपको, यहाँ पे सॉर्टिंग में वाला कोड लिख दो सेम और उसको कन्वर्ट कर दो बस लिंक लिस्ट की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर सर्चिंग भी लगानी है तो यहाँ पर जो सर्चिंग वाला कोड हमने एरे में लिखा था वही सेम कोड यहाँ पे कॉपी कर दो, और इसके अलावा वहाँ पर बस उसको जो एरे में लिखा हुआ डेटा है उसको लिंक लिस्ट में चेंज कर दो, बाकी खास चेंजेस यहाँ पर नहीं आते। तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको आइडिया हुआ हो कि अगर हमने कोई किसी प्रोग्राम को अगर एरेज में लिखा हुआ है तो कैसे हम उसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, गुड लक।